करने जा रहे हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली उपचुनाव के लिए। बता दें कि तीन प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है कर दिया गया है उपचुनाव के लिए। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है, बता दें कि तीन प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है किया गया है उपचुनाव के लिए, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। सुजानपुर से रंजीत सिंह राणा को टिकट दिया गया है, गगरेट से राकेश कालिया को टिकट दिया गया है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कुटलेहर से विवेक को टिकट दी गई है। राज्य उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ये लिस्ट जो है जारी कर दी है, तीन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुजानपुर से रंजीत सिंह राणा को टिकट दी गई है, तीन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, गगरेट से राकेश कालिया को टिकट दिया गया है। तीन प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, कुटलेहर से विवेक शर्मा को टिकट मिला है, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड अनिल ठाकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, लंबे समय से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट का इंतजार था, उम्मीदवारों के लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अभी भी जो है पांच उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं, जो दो हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए और तीन जो है विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जो है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए हिमाचल में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, लेकिन अभी भी जो है वो तीन प्रत्याशी जो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारे हैं और तीन नाम जो है आने बाकी हैं। इसके अलावा दो लोकसभा सीटों के लिए भी अभी नामों का ऐलान होना है। मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र राणा सुजानपुर से, उनके खिलाफ जो है उम्मीदवार उतारा गया है, गगरेट से चैतन्य शर्मा है और देवेंद्र भुट्टो, ये तीन वो नाम हैं जो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए थे और इनके खिलाफ अब जो है तीन प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राकेश कालिया जो है वो पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन 2022 के चुनाव के वक्त वो तो तीन उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस ने जारी कर दी है, प्रत्याशियों के नाम जो है वो उसकी घोषणा कर दी है। तो एक बार फिर से अनिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल है। अनिल जी, जो पांच नाम है अभी भी बाकी है, उस पर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है, दो लोकसभा सीट के लिए और तीन विधानसभा सीट के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पांच नाम अभी आना बाकी हैं और दो लोकसभा सीट है उसमें, कांगड़ा और हमीरपुर, और इसके साथ बड़सर, लाहौल स्पीति और धर्मशाला, ये तीन सीटें विधानसभा उपचुनाव के लिए हैं जिन पर नाम आने बाकी हैं। हालांकि कल सीईसी की बैठक है, उसमें हो सकता है कि ये नाम भी फाइनल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इंतजार में है कि कब से शुरू किया जाए और भाजपा की हम समारत है जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए और खुलकर प्रचार किया जाए। तो असमंजस की स्थिति अभी हिमाचल में पांच सीटों पर बनी हुई है, जिसमें दो लोकसभा सीट है और तीन उपचुनाव के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका जानकारी देने के लिए। तो तीन प्रत्याशियों के नाम जो है उसके घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी पांच नामों पर जो संकोच है वो बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है, सस्पेंस अभी भी जारी है कि वो पांच सीटें जो है उस पर किसका नाम आएगा। दो लोकसभा सीट है और तीन विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो सीट है वो अभी भी जारी नहीं की गई है उसकी लिस्ट। तो पांच लिस्ट का इंतजार अभी भी रहेगा। तो तीन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। हिमाचल के उपचुनाव के लिए तीन प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बता दें अभी आपको, अभी भी जो है पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बाकी है, जिसमें कि दो लोकसभा चुनाव के लिए और तीन उपचुनाव के लिए, विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी करना बाकी। अभी भी सस्पेंस जो है वो पांच नामों पे बना हुआ है। तो तीन प्रत्याशियों के लिए फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है, उनके नामों की, तीन प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया गया है हिमाचल में, और पांच पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जिसमें कि दो लोकसभा और तीन विधानसभा सीट है। सुजानपुर से रंजीत सिंह राणा को टिकट जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है, वहीं गगरेट से राकेश कालिया को टिकट दी गई है और कुटलेहर से विवेक शर्मा को।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।